Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. इस बात को एक लंबा अरसा गुजर गया है। एमएड करने के बाद मैं अपने ही स्कूल में एकेडमिक कोऑर्डिनेटर बन गई। सर भट्टी रिटायर हो गए और स्कूल के फर्नीचर के साथ साथ स्कूल की पॉलिसीज भी बदल गईं। अब हम हर साल बच्चों को स्पोर्ट्स डे पर आउटडोर एक्टिविटीज के लिए ले जाने लगे थे। उस साल जब मैंने चीफ गेस्ट का नाम पढ़ा तो मैं बहुत खुश हुई। शायजा खान आ रही थी। मैंने सोचा कि चलो, इतने सालों बाद पहली बार एक फीमेल क्रिकेटर से मिलने का मौका मिलेगा। बच्चों में मेडल्स तकसीम करने के बाद तकरीब के इख्तिताम में जब शायजा ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की तो मुझे ऐसा लगा मानो जैसे मैं स्कूल के दिनों में पहुंच गई। वही जुनून और वही लड़ाइयाँ, लेकिन कहानी का अंजाम बिल्कुल मुख्तलिफ। वो पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की पहली कैप्टन बन गई और मैं अपने प्राइमरी स्कूल की इंचार्ज। जब वो स्टेज से नीचे उतरी तो मैं झिझकते हुए उनसे मिलने गई और उन्हें बताया कि हम सबको उन पर कितना नाज है और कैसे उनकी बातों ने दिल छू लिया, कैसे मैं भी क्रिकेट खेला करती थी और फिर कैसे छोड़ दिया और अब तो उम्र भी निकल गई। ये सब सुनकर शायजा ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और पूछा, नेशनल लेवल पर खेलना है? मैंने हैरत से कहा, नहीं। तो वो हंसते हुए बोली, अरे तो फिर उम्र का क्या करना है, स्टंप्स लगाओ और खेलो, किसने रोका है? घर वापस जाते वक्त सारा रास्ता ये बात मेरे कानों में गूंजती रही। सच ही तो था, अब किसने रोका है? और फिर मैंने यही किया। अगले दिन स्टंप्स, बैट और बॉल लेकर आ गई और अब तो मेरे साथ खेलने के लिए मेरी 6 साल की ईशल भी थी। हमने रोजाना क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। खेल खेल में वो क्रिकेट सीखने लगी। कुछ ही दिनों में मेरी ईशू को क्रिकेट से ऐसा प्यार हो गया कि वो रोज का 1 घंटा प्रैक्टिस के लिए कम पढ़ने लगा। उसने अपने कमरे में भी एक बॉल लटका रखी थी। जब भी उसे मौका मिलता वो शॉट प्रैक्टिस करती रहती। अब वक्त भी बदल रहा था। विमेंस क्रिकेट का जिक्र कम सही मगर होने जरूर लगा था। जब भी कोई मैच टेलीकास्ट होता हम जरूर देखते। और फिर आया PSL और हर जगह क्रिकेट की धूम मच गई। कहानी ने आगे क्या मोड़ लिया ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले हिस्से का।